वेलकम टू आवर किचन फूडी फूड गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए चीला। पर गाइस, हमारी रेसिपी देखने से पहले आप प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस, इस व्रत स्पेशल चीले के लिए हमें चाहिए 2 आलू, 250 ग्राम घिया, थोड़ा सा पनीर, 1 गाजर। गाइस, हमने इन सब सामान को कद्दूकस करके रख लिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, व्रत का सेंधा नमक और काली मिर्च। हम इस चीले को टमाटर की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 चम्मच चीनी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने गैस को ऑन करेंगे और इस पर अब हम अपना नॉनस्टिक तवा रखते हैं गर्म होने के लिए। गैस को हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे, तब तक हम चीले की सामग्री को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लेंगे हम सबसे पहले आलू। गाइस, क्योंकि आलू कसने के बाद पानी छोड़ता है, इसलिए हम पहले उन आलुओं में से एक्स्ट्रा पानी को हल्के हाथ से दबाकर निकाल लेंगे। ऐसे ही घिया लेंगे, घिया में से भी हम एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे। थोड़ा सा गाजर लेंगे, थोड़ा सा पनीर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गाइस, हमने जितनी भी सब्जियां ली है उन सब में हमने आलू को दुगना रखा है, मींस आलू की क्वांटिटी आपकी दुगनी होनी चाहिए बाकी सारी सब्जियों के मुकाबले। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, व्रत का नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। और अब हम इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा तवा गरम हो गया है और अब हम इस पर थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे और इसको अच्छे से तवे पर फैला लेंगे और इस सारी सामग्री को तवे पर अच्छी तरह से फैला लेंगे। हमने इन सारी सब्जियों को तवे पर अच्छी तरह से फैला दिया है और अब हम इस चीले को 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सेकेंगे। जब तक हमारा चीला तैयार होता है, तब तक हम टमाटर की खट्टी मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने टमाटर और अदरक को काट कर रख लिया है। टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए एक छोटी कढ़ाई में हम सबसे पहले घी डालेंगे। हमारा घी गर्म हो गया है और अब हम इसमें टमाटर और अदरक को डाल देंगे। और इस टमाटर और अदरक को 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे और इसे ढक देंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारा चीला बन गया है। अब हम इसको पलटकर दूसरी तरफ से सेकेंगे। अब हम इस टमाटर में 1/2 गिलास पानी डालेंगे, 3 चम्मच चीनी, व्रत का नमक और काली मिर्च। 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। देखिए, हमारा चीला एक साइड से सिक गया है। ये कितना प्यारा गोल्डन और क्रिस्पी दिख रहा है। ये एकदम परफेक्ट बना है। टमाटर की चटनी की गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे टमाटर ठंडे हो गए हैं और अब हम इनको मिक्सी में पीसने के लिए निकाल लेंगे। हमारा चीला दोनों तरफ से सिक गया है और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमने टमाटर की खट्टी मीठी चटनी के साथ इनकी प्लेटिंग कर ली है। आप चाहे तो इन्हें दही के साथ भी खा सकते हैं। आप भी घर पर बनाकर इस वेजिटेबल चिले को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।